अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अरीबा जवाद एंड आई एम अ ट्रेनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हियर आई एम टू गिव यू अ लेक्चर ऑन डिसोसिएटिव एमनीजिया। लेक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ कंटेंट्स शेयर करती हूँ, जिसमें आते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसोसिएटिव एमनीजिया, टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया, साइंस एंड सिम्टम्स, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स एंड लास्टली द ट्रीटमेंट्स ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया। अब इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि डिसोसिएटिव एमनीजिया होता क्या है। डिसोसिएटिव एमनीजिया इज क्लासिफाइड अंडर द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव का मतलब होता है डिस्कनेक्शन या फिर सेपरेशन, विच मीन्स मिला ताल्लुक हो जाना। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर मेंटल डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स विद मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशंस, परसेप्शन, बिहेवियर एंड सेंस ऑफ सेल्फ। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि मेमोरी में इश्यू, कुछ याद न रहना, अपनी आइडेंटिटी को समझने में मसला आना, दूसरों को इवन अपने इमोशंस या बिहेवियर को समझने में मसला आना, अपने परसेप्शंस ड्रॉ करने में मसला, कि आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते। ये जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो यूजली हमारी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड पर अफेक्ट करती हैं। Dissociative disorders are frequently associated with previous experiences of trauma. अब यहाँ पे generally four types के dissociative disorders का जिक्र हुआ है। Dissociative amnesia पे focus करेंगे। Amnesia is derived from a Greek word amnestai. A means not and mnestai means to remember. Collectively, dissociative amnesia का मतलब हुआ separation from memory या फिर not being able to remember. DSM-5 में amnesia को ऐसे explain किया गया है कि ये एक personal कि एक person जो amnestic है उसे अपने बारे में कोई भी important information हो वो याद नहीं रहती। इस तरह की information usually किसी trauma या फिर stressful situation से link होती है। अब आप सोचेंगे कि हम भी बाज दफ़ा बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो क्या हमें भी डिसोसिएटिव एमनीजिया है? तो इसका आंसर है कि नहीं। डिसोसिएटिव एमनीजिया नॉर्मल फॉरगेटिंग से बहुत हटकर है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ऑर्डिनरी फॉरगेटफुलनेस, मतलब कि आम फॉरगेटफुलनेस की तरह नहीं है। पीछे जो हमने टाइप्स पढ़ी थी उसमें एक और टाइप भी थी, डिसोसिएटिव फ्यूग। फ्यूग का मतलब होता है फ्ली, इसका मतलब होता है निकल जाना या फिर फरार हो जाना। कुछ लोगों को डिसोसिएटिव एमनीसिया इतना इंटेंस हो जाता है कि वो अपने आप को कम्प्लीटली भूल जाते हैं और अपना घर तक छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मूवी की एग्जांपल दी है, फॉरगॉटन गर्ल, विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इसमें एक गर्ल होती है नेम्ड नाओमी जैकब्स, हु वॉक्स अप टू अ हाउस शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज एंड द सन शी डिड नॉट नो। शी बिलीव शी वॉज अ टीन गर्ल ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन वो घर उसी का घर होता है और जो बेटा होता है उसी का अपना बेटा होता है, लेकिन क्योंकि उसको डिसोसिएटिव एमनीसिया होता है तो वो ना अपने घर को पहचानती है ना अपने बेटे को पहचान पाती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में डिसोसिएटिव एमनीसिया मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हैव डिसोसिएटिव एमनीसिया। अब हम लोग इसकी कमॉर्बिडिटी पे आते हैं। मेजर डिप्रेशन या एंगजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे कि PTSD कमॉर्बिड हो सकते हैं। फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स, हाउएवर नो ऑक्यूरेट डिफरेंस इज सीन। एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो ये जनरली लेट एडोलेसेंस या फिर एडल्टहुड में ऑकर होता है। डिसोसिएटिव एमनीसिया की आगे से 5 सब टाइप्स हैं। सो द फर्स्ट सब टाइप इज लोकलाइज्ड एमनीसिया, व्हिच डिफाइंस द इनएबिलिटी टू रिकॉल इवेंट्स रिलेटेड टू अ सर्कमस्क्राइब्ड इवेंट। इसमें पेशेंट किसी भी ट्रॉमेटिक स्पेसिफिक इवेंट को भूल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी के साथ कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसको अपने वाइफ की जान का नुकसान भी हुआ है। ट्रॉमा चूंकि इंटेंस था तो वो इस हादसे को भूल गया, तो ये लोकलाइज्ड एमनीसिया हो गया। नेक्स्ट टाइप इज सिलेक्टिव एमनीसिया, इसमें पर्सन को ट्रॉमेटिक इवेंट या किसी भी और इवेंट के कुछ पार्ट्स को भूल जाता है। फॉर एग्जांपल, ऊपर जिस आदमी ने कार एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया था, अब उसको पूरे कार एक्सीडेंट की सारी सिचुएशन याद है, लेकिन उसको ये भूल जाएगा उस कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की भी डेथ हुई थी। थर्ड टाइप जनरलाइज्ड एमनीसिया है, इज डिफाइंड एज फेलियर टू रिकॉल वंस एंटायर लाइफ और वंस पर्सनल लाइफ इंफॉर्मेशन।
Next type is continuous amnesia, which is defined as failure to recall successive events as they occur. For example, एक victim है जिसके साथ robbery हुई है, तो वो पूरे दिन की details बता देगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसके साथ robbery हुई है, क्योंकि उसको ये वाला part याद ही नहीं रहा. Fifth type is systemized amnesia. इसमें इंसान किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट या फॉर एग्जांपल एक किसी भी इंसान के बारे में सब भूल जाता है. फॉर एग्जांपल समवन में फॉरगेट ऑल ऑफ द मेमोरीज व्हिच इन्वॉल्व्स हिज सिस्टर बिकॉज शी डाइड. द मेन सिम्पटम ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया इज मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. डिसोसिएटिव एमनीजिया के साथ फ्यू के सिम्पटम्स भी जाहिर हो सकते हैं, विच इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग और वेंडरिंग अवे फ्रॉम देयर लोकेशन. जैसे पीछे डिस्कस किया गया था कि वो दूर जाकर अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं. पीपल आर अनअवेयर ऑफ द मेमोरी गैप्स. दे मे बिकम अवेयर ओनली व्हेन पर्सनल आइडेंटिटी इज लॉस्ट और व्हेन सर्कमस्टेंसेस मेक देम अवेयर. पीपल हु आर एमनेस्टिक मे अपीयर टू बी कन्फ्यूज्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. Another symptom is that they have difficulty forming and maintaining relationships because bhool hi jate hain important informations apne loved ones ke bare mein ya apne relatives ke bare mein, to ye hindrance aa jati hai relationships form karne mein. Some people also complain flashbacks as they occur in PTSD. Lekin dissociative amnesia mein person ko dissociative amnesia hote hue PTSD nahi hota. Usko baad mein ho sakta hai jab unko apne trauma याद करवाया जाता है थेरेपीज के थ्रू, या फिर सडनली याद आ जाते हैं तो उनमें PTSD कॉज हो सकता है. जब उनको ट्रॉमा याद आता है थेरेपीज के थ्रू, तो उनमें सुसाइडल थॉट्स और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. डिप्रेसिव एंड फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आर ऑल्सो कॉमन इन डिसोसिएटिव एमनीजिया. Moving on to causes of dissociative amnesia, इसमें usually traumatic events की वजह से dissociative amnesia cause हो सकता है. या तो वो directly trauma face किया होता है, या फिर वो witness करते हैं अपनी आंखों से देख कर, या फिर इधर से अपनी surroundings से सुन के. Genetic factors पे आए तो there is no any specific biological cause of dissociative amnesia, but it may run in families. There may be a genetic inherited connection in cause dissociative amnesia. Usually first blood relatives की वजह से dissociative amnesia cause हो सकता है. इस चीज का हमें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि ये genes के through run करती है या फिर ये observation से run करती है. Lastly यहाँ पे ड्रग अब्यूज की बात ही है कि ड्रग अब्यूज में ऑल्सो कॉज इट. देर आर ऑल्सो सम मेडिकेशंस ड्रग्स दैट मे कॉज डिसोसिएटिव एमनीजिया. हाउएवर DSM-5 हमें बताता है कि अगर ड्रग्स की वजह से एमनीजिया कॉज हो रहा है तो इट्स नॉट अ डिसऑर्डर. जो मेडिकली कॉज एमनीजिया होता है थ्रू मेडिकेशंस, इट इज डिफिकल्ट एंड रेयर टू रिकवर मेमोरीज. लेकिन डिसोसिएटिव एमनीजिया में इट इज ईजी टू रिकवर फ्रॉम मेमोरीज. मतलब हम लोग मेमोरीज को रिकवर कर पाते हैं ईजिली. हमें थेरेपीज के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हम लोगों को याद करवाया जाता है अपने ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में. हु आर एट रिस्क? Whoever had any intense severe trauma are definitely at risk to develop it. Risk factors for dissociative amnesia include any experience of trauma. Most associated traumas to dissociative amnesia are physical, sexual and emotional abuse or any other natural disasters. Trauma over an extended period of time puts a person at a greater risk of developing this disorder. मतलब अगर trauma bereavement period से exceed कर जाए तो it becomes risky as well. Lastly, किसी को भी अगर कभी भी life में episodic amnesia हुआ है कि for a moment वो कोई specific चीज़ भूल गया है, कोई traumatic चीज़ भूल गया, लेकिन उसके बाद में अगर याद भी आ जाती है तो in future उस वो greater risk पे होता है कि उसको भी dissociative amnesia हो जाएगा दोबारा से.
अब आते हैं ट्रीटमेंट्स फॉर डिसोसिएटिव एमनीजिया, जहाँ पर हम मोस्टली इफेक्टिवली यूज ट्रीटमेंट्स का बस जिक्र करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज ऑल्सो नाउन एज टॉक थेरेपी। इट इज़ द मेन ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसऑर्डर। इट इंक्लूड्स वराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ थेरेपीज इंक्लूडिंग CBT। CBT में हम लोग पर्सन के थिंकिंग पैटर्न्स तक जाते हैं और उन थिंकिंग पैटर्न्स को इस तरह से शेप करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं कि हम लोग उनके बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने के काबिल होते हैं। अब हिप्नोसिस में पर्सन को कंफर्टेबली बिठाया जाता है। हिप्नोसिस आपने यूजली देखा होगा, सुना भी होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म होती है, कि पर्सन को पहले रिलैक्स किया जाता है और उसको उसी अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाया जाता है, जहाँ पे उसके थॉट्स जो होते हैं वो रिप्रेस्ड हो चुके होते हैं, वो कॉन्शियसनेस में नहीं रहते या फिर सब कॉन्शियस में भी नहीं रहते। अब हिप्नोसिस अलाउ करती है पर्सन को कि वो अपने उन मेमोरीज में जाएं और उन मेमोरीज को अपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लाएं। वेरी केयरफुल कॉन्सिड्रेशन के अंदर ये परफॉर्म की जाती है, ताकि जब क्योंकि जब पर्सन को किसी भी ट्रामा की अवेयरनेस होती है तो वो इंटेंस सदमे में चला जाता है। इसके लिए फैमिली थेरेपी भी होती है, विच हेल्प्स टू टीच द फैमिली अबाउट द डिसऑर्डर एंड हेल्प्स द फैमिली मेंबर्स टू रिकॉग्नाइज इफ द पेशेंट सिम्टम्स कम्स बैक। आपको कुछ रेफरेंसेस भी प्रोवाइड किए हैं जिनके थ्रू आप मोर डेप्थ में जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि डिसोसिएटिव एमनीसिया होता क्या है। थैंक यू, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।